निर्वाचन प्रक्रिया की उड़ी धज्जियां। नामांकन के अंतिम दिन नियमों को रखा ताक पर। प्रत्याशियों को पहुंचाया गया फायदा। गुना में पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। तहसील परिसर में नामांकन के दौरान एक महिला अभ्यर्थी को नियमों की अनदेखी करते हुए नामांकन दर्ज करने की अनुमति दी गई। नियमानुसार नामांकन के लिए दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी को परिसर में प्रवेश करना होता है, लेकिन महिला प्रत्याशी शारदा बाई को 4:15 बजे नामांकन दर्ज करने के लिए परिसर के बाहर लाकर टोकन दिया गया, जिसका वीडियो टाइम 8 के कैमरे में शूट हो गया। महिला अभ्यर्थी जनपद सदस्य का फॉर्म भरने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में पहुंची, लेकिन समय निकलने के बावजूद उसे टोकन थमा दिया गया। निर्वाचन प्रक्रिया की इस तरह की लापरवाही निष्पक्षता पर अपने आप में सवालिया निशान खड़े करती है। नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, काम क्या हो रहा है। भाई तुम बने रहो यार, जी गई अंदर, और नाटक हुआ। भाई अंदर नहीं जाओगे यार, क्यों नहीं जाएंगे यार? अरे अंदर नहीं जाओगे? अरे मैंने बिल्कुल नहीं लगा लगातार। नामांकन के अंतिम दिन अभ्यर्थियों का सुरक्षा कर्मियों से विवाद भी हुआ, लेकिन जिस प्रकार एक महिला प्रत्याशी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। निर्वाचन प्रक्रिया की उड़ी धज्जियां। नामांकन के अंतिम दिन नियमों को रखा ताक पर। प्रत्याशियों को पहुंचाया गया फायदा। गुना में पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। तहसील परिसर में नामांकन के दौरान एक महिला अभ्यर्थी को नियमों की अनदेखी करते हुए नामांकन दर्ज करने की अनुमति दी गई। नियमानुसार नामांकन के लिए दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी को परिसर में प्रवेश करना होता है, लेकिन महिला प्रत्याशी शारदा बाई को 4:15 बजे नामांकन दर्ज करने के लिए परिसर के बाहर लाकर टोकन दिया गया, जिसका वीडियो टाइम 8 के कैमरे में शूट हो गया। महिला अभ्यर्थी जनपद सदस्य का फॉर्म भरने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में पहुंची, लेकिन समय निकलने के बावजूद उसे टोकन थमा दिया गया। निर्वाचन प्रक्रिया की इस तरह की लापरवाही निष्पक्षता पर अपने आप में सवालिया निशान खड़े करती है। नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, काम क्या हो रहा है। अरे भाई तुम बने रहो यार, जी गई अंदर, और नाटक हुआ। भाई अंदर नहीं जाओगे यार? अरे क्यों नहीं जाएंगे यार? अरे अंदर नहीं जाओगे? मैंने बिल्कुल नहीं लगा लगातार। नामांकन के अंतिम दिन अभ्यर्थियों का सुरक्षा कर्मियों से विवाद भी हुआ, लेकिन जिस प्रकार एक महिला प्रत्याशी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।